तीसरा आदर्श नगर पंचायत मनियर में लंबे समय से बंद पड़े आरोप प्लांट की वजह से जन समुदाय को हमारे अनुसार जो हमारे प्रशासक भी है हमारे बीच आए हुए हैं हम ज्ञापन करके आपको सुना दे रहा हूँ। ज्ञापन यू से बात करिए सर। ये साथ यहाँ मैं आपको बता दूँ दो बार मुझसे बातचीत हुई नगर वार्ड नंबर 13 में काम को लेकर आदर्श नगर पंचायत मनियर में सड़क जो लगते हुए तार रही है शौचालय जो बंद पड़े हैं वो तो खुले हैं उनकी साफ सफाई जाम लग जा रहा है मार्केट लग जा रहा है उसको देखना है एक आरो प्लांट बंद है वो हो गया है यू साहब हैं आप बताएं जिससे टाइम से नहीं आते कर्मचारी आते हैं उनसे चर्चा की जाती है रिपोर्ट मांगी जाए तो औचक निरीक्षण यहाँ का किया जाएगा अगर वो अनुपस्थित पाए जाते हैं तो डी एम मैडम को उसकी सर मैं और आपसे कहूँगा जो शौचालय जो बाजार में है उसको तत्काल खुलवाने की जरूरत है क्योंकि नगर पंचायत के लोग या आम आस पास के भी जो औरतें आती हैं उन लोगों को बहुत परेशानी पानी नहीं है सर। बरसों से बंद पड़ा है सर। एक जगह है तो पानी। कम्युनिस्ट पार्टी माले और संयुक्त किसान मोर्चा के भी हम अंग हैं और तहसीलदार महोदय आए थे उनको हम लोगों ने 9 सूत्री मांग पत्र दिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर हम इस कार्यक्रम के पर विचार करके और तमाम आपकी मांगों को देखते हुए हम लोग इस सवाल पर मैंने कर्मचारियों से और अधिकारियों से वार्ता करेंगे और इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और जांच भी कराया जाएगा और हमने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर इस कार्रवाई का अगर आप नहीं करते हैं जांच नहीं करते हैं निर्माण कार्यों में हो रही धांधली को बंद नहीं किया जाता है तो हम पुनः अगले आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और भूख हड़ताल और तमाम संघर्ष के रूप को तैयार करेंगे। इसी बात के साथ हमने मुख्यमंत्री को संबोधित बास जी तहसीलदार महोदय को अपना ज्ञापन सौंपा। खड़ा हो जा रहा है।